नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां 1 मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। हालांकि शुरुआत में सर्वर थोड़ा धीमा नजर आया, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन बाद में ये काफी हद तक परेशानी दूर गई हो गई। आप क्या करेंगे इस पोर्टल तक जाने के लिए? आप गूगल पे या जिस भी ब्राउजर पे हैं वहां पे टाइप करेंगे COWIN.gov.in, COWIN.gov.in। और इसके अलावा आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम देखा गया कि पोर्टल पे आप पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जहां पे आपको शेड्यूल करना होता है अपना टाइम और जगह, वहां पे आपको अभी ऑप्शन नहीं मिलेगा 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीन कराने के लिए, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। अभी तक ये समस्या बनी हुई थी, देखते हैं कि उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है जल्द से जल्द। कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हरिद्वार के शमशान घाट पर भीड़ है। शमशान घाटों पर शवों के दाह संस्कार के लिए लाइन लगी है, लोग कई घंटे इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद उनके शव का दाह संस्कार हो रहा है। ये हालात देश भर में है, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बच पा रही है। तो शवों के लिए खाली जो घाट खाली करने के लिए निर्धारित समय कर दिया गया है। कनखल शमशान घाट पर लोगों का कहना है कि आलम यह है कि इस वक्त जितनी लाशें आ रही हैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हर रोज 35 से 40 शवदाह संस्कार के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ सुबह शाम की चक्कर में, जितना बुरा हाल इस समय शमशान में हो रहा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। कल भी 45 बॉडी आई थी, अब अभी तक 22 बॉडी आ चुकी है, जिसमें 9 बॉडी कोरोना की संस्कार का। अच्छा, फ्लैक्स की लगवाए हमने कि भाई सुबह 10 बजे से पहले आए, वो 2 बजे तक मतलब प्रवाह कर दूँ, 2 बजे वाले आगे शाम को रात तक प्रवाह। जगह नहीं है बिल्कुल, आप देख लो क्या। इसी खबर पर हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के समापन के बाद हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू आज से लागू हो गया है। इस वक्त में हरिद्वार के मोती बाजारें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीछे जो दुकानें हैं ये सारी बंद हैं, सबके शटर नीचे गिरे हुए हैं। जो जरूरत की चीजों की दुकानें हैं उनको खोला गया, हालांकि कुछ दुकानें हैं उनको अभी खोला जा रहा है, क्योंकि बाहर के जो कुछ लोग आए हुए हैं जो महाकुंभ में यहाँ मौजूद थे उनके जाने का यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया है, इसीलिए वो लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं और कुछ दुकानें हैं वो मामूली तौर पर खुली हुई हैं। 12 बजे तक आज हल्की फुल्की छूट दी है ताकि जो लोग यहाँ आए थे वो यहाँ से जा सके। 12 बजे के बाद पूरी तरह से यहाँ कोरोना कर्फ्यू कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। पुलिस फोर्स अपने स्तर से व्यवस्थाएं कर रही है कि आने वाले दिनों में यदि दिक्कत होती तो उसे कैसे सुधारा जाए। कुल मिलाकर कहा सकता कि आज से हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है और कल ये पूरी तरह से कड़ाई के साथ लागू यहाँ किया जाएगा और सख्ती बरती जाएगी कि ताकि जो कोरोना संक्रमण है उसकी जो चैन है उसको तोड़ा जाए। एक दुकानदार है वो अपनी दुकान के बाहर खड़े हैं, इंतजार था किस चीज का है, आपका दुकान बंद है, अब किस तरह की चीजें रहेंगी, क्योंकि बिक्री नहीं होगी तो और भी समस्या पैदा हो सकती है। ये लॉकडाउन में तो अब दुकानें पूर्ण रूप से सुना जा रहा है कि 3 तारीख तक बंद है। चलिए इसी पर जुड़ते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा से, उनसे ग्राउंड की रिपोर्ट लेते हैं। आज पूरा दिन कर्फ्यू रहा, कैसे हालात रहे? पंकज, जिससे बात चल रही थी आपकी रिपोर्ट में, उन्होंने ये कहा लॉकडाउन लगाना ही था तो पहले लगा दिए होते, अब देर आए दुरुस्त आए वाली परिस्थिति दिख रही है। प्रशासन को पहले फैसला लिया जाना चाहिए। मरणाल रेट को ऑडियो कर्फ्यू का उसमें थोड़ी दिक्कत लोगों को जरूर झेलनी पड़ी है, फिर भी जो जिला प्रशासन है उसने व्यवस्थाएं की थी, उस पुलिस ने अपने अपने स्तर से सभी लोगों से जानकारी भी ली है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तमाम जो मार्केट हरिद्वार के वो बंद रहे और आवाजाही लोगों की बनी रही है, जो जरूरत की आप जहाँ खड़े हैं आप जहाँ खड़े हैं, लेकिन आज शाम से बिल्कुल पंकज चलिए वो आपकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन अभी जहां आप खड़े हैं वहां पर अंतिम संस्कार के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा पहले नहीं देखा गया, क्या मंजर है ये और किस तरीके की जानकारी?
इसमें सर देखिए बहुत गंभीर बात हो गई है, ये जो कनखल का कंकाल घाट है वो है और यहाँ पर अमूमन 7-8 सब ही रोज आते थे, लेकिन कोविड के वजह से संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, 40-35 सब यहाँ हर रोज लाए जा रहे हैं। बात पूरी कीजिए पंकज। बिल्कुल श्रीता देखिए बहुत गंभीर स्थिति हो गई है सभी शमशान घाटों पे और जिससे की स्थिति बनी हुई है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि लॉकडाउन नहीं लगता या आगे की स्थिति होती तो तमाम दिक्कतें पैदा हो सकती थी। जो शमशान घाट है कनखल का वहां पर 35-40 सब डेली लाए जा रहे हैं और उसमें अधिकतर जो सब है वो कोरोना संक्रमितों के हैं। ऐसे में एक समस्या और वहां पैदा हो गई है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी परेशान है क्योंकि वहां पर पीपीई किट और मास्क और जो ग्लव्स है उनको ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, तो वहां पर ये समस्या हो गई है, उनको जलाया भी नहीं और ना ही उनको मिट्टी में दबाया जा रहा है, तो आसपास के जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं वो भी काफी दिक्कतें उनको पैदा हो गई है क्योंकि वहां पर जिस तरह से सबों को इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, फिर सबों को जो शमशान घाट का मेन गेट है वहीं पर रखा जाता है, तो ये दिक्कत है। लोगों से ये अपील की गई है कि आप उसके आसपास के एरिया में ना आए क्योंकि वहां पर संक्रमितों को सबों का दाह संस्कार हो रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि उस एरिया में तमाम जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो पीपीई किट है मास्क है और जो ग्लव्स है उनको इधर उधर फेंका जा रहा है, उनको मिट्टी में नहीं दबाया जा रहा है। बहुत गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है पंकज जी, इसको प्रशासन तक पहुंचाना होगा क्योंकि अगर ये कोरोना की रफ्तार को रोकना है तो आम लोगों को मास्क लगाने की सलाह देना जितना जरूरी है उससे 4 गुना जरूरी है। ऐसे मेडिकल वेस्ट को डिकम्पोज करना प्रॉपर तरीके से, आप इस पे नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं मगर फिलहाल सिलेंडरों की समस्या है जिसे आने वाले वक्त में दूर कर लिया जाएगा। तो सीएम कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन वाले बेड दून अस्पताल में नहीं है। हम पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरह हम आगे बढ़े हैं और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल्स हमारे पास पूरे हैं, आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं, हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज, साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में एम्बुलेंस की भी कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा एनएच ने जो कदम उठाया, सीवरेज फंड से जो उपलब्ध कराया और अभी तो 2 हैं, मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्दी और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं ऑक्सीजन से लेकर के और आपका एक स्टेट तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक स्टेट इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था भी है। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 बिंदुओं में कोरोना के खिलाफ लड़ने की नसीहत दी है। हाई कोर्ट ने आम लोगों की मदद से प्लाज्मा दान करने वालों को आगे लाने की बात कही है। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों को की फ्रेश लिस्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। ये लिस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है सप्लायर्स की और एजेंसी की उसमें कई ऐसे नंबर हैं जो लगते नहीं हैं या फिर स्विच्ड ऑफ हैं। तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कहा है कि जो लिस्ट है उसे रिफ्रेश कीजिए और सही लिस्ट लोगों को दीजिए। अनुपंत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में 26 अप्रैल 2021 को जिला अधिकारी देहरादून द्वारा जारी किया गया एक सूची भी आज माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई गई थी, जिसमें 10 लोगों के नंबर दिए गए थे आम जनमानस को कि इन 10 लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई है, और जब इन 10 नंबरों पर फ़ोन किए गए तो उनमें से केवल 3 लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई थी और बाकी 7 लोगों के पास या तो ऑक्सीजन थी ही नहीं या फिर जो है उनके नंबर ही स्विच ऑफ थे। तो जब यह भी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं जिलाधिकारियों को और जिलाधिकारी देहरादून को विशेषकर कि वह इस सूची को करेक्ट करके वही नंबर जो है आम जनमानस के साथ जारी किए जाएँ जो उस चीज़ से संबंधित कार्य कर रहे हों।
बड़ी खबर कोरोना अपडेट है। आज आए हैं कोरोना के 6054 नए मामले, मौतों का आंकड़ा 108। जिलेवार तरीके से आप देखेंगे तो अल्मोड़ा में 140 केस हैं, बागेश्वर में 128, चमोली में 175, चंपावत में 153, देहरादून 2329, हरिद्वार 1178, नैनीताल 665, पौड़ी 174, पिथौरागढ़ 51, रुद्रप्रयाग 22, टिहरी 109, उधम सिंह नगर 849, उत्तरकाशी 81। इसके अलावा देहरादून में 3485 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये रही कोरोना की बड़ी अपडेट, जहां आंकड़े आपके सामने हैं। इसके साथ दून अस्पताल में एम्बुलेंस संचालकों की कालाबाजारी की खबर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी। हमने दिखाया था कि शवों को शमशान तक ले जाने के लिए 10 से 16,000 एम्बुलेंस संचालक वसूल रहे हैं। अब जिलाधिकारी देहरादून ने कहा है कि ऐसी कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए कड़े आदेश हैं। जो भी इस तरीके की कालाबाजारी करेगा उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में भले ही सप्ताह भर का कर्फ्यू हो, लेकिन जनता का सहयोग इस बार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कर्फ्यू के दौरान भी देहरादून की सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं। पुलिस अपनी चालान वाली कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन लोगों के पास कई बहाने हैं, इस वजह से वो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले देख लीजिए व्यवस्थाओं को, जहां पर ऑक्सीजन वाले बेड सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में नहीं है। जो भी नंबर जारी किए गए हैं वो यहाँ के प्राइवेट वेंडर्स के नंबर हैं, और अगर पहली चीज़ ये है कि जो प्रायोरिटी है वो हॉस्पिटल की प्रायोरिटी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने अपने बेड बढ़ाए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल को है। लगभग जो है कल 650 के आसपास सिलेंडर्स जो है वो हॉस्पिटल को उपलब्ध कराए गए हैं, और उसके अलावा लगभग 120-125 सिलेंडर जो है वो प्राइवेट में उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोविड कर्फ्यू जो चल रहा है, इसमें कई लोगों को कंसेशन और रिलैक्सेशन दिए गए हैं, और पुलिस स्थान स्थान पर बैरियर लगा के इस चीज़ को चेक कर रही है कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनके पास वैलिड जो कारण जो कि मेंशन है आदेश में वो हैं कि नहीं है, और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उनके खिलाफ चालान वगैरह की कार्रवाई की जा रही है और उनको लौटाया भी जा रहा है। जो कोविड को लेकर दिशा निर्देश हैं वो ये हैं कि अपराधियों को या जो वांछित लोग हैं उनको यदि गिरफ्तार किया जाता है तो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, तो मास्क सैनिटाइजर आदि वगैरह का प्रयोग किया जाए, और किसी भी अपराधी को न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले उसका जो टेस्ट है वो कराना अनिवार्य है। देहरादून से बड़ी खबर है, कोरोना कर्फ्यू को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। डोईवाला हबटपुर को 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। विकासनगर मसूरी में भी 3 मई से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के आदेश हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम नैनीताल ने मिनी स्टेडियम में बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों से अस्पताल में बनाए जा रहे बेड की तैयारियों की जानकारी ली। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल तक मिनी स्टेडियम में 100 बेड शुरू हो जाएंगे। मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन सहित 200 बेड की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भी बेड फुल होने के चलते मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो लगभग 160 बेड हैं, लेकिन अभी जो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ जो बेड हमारे होंगे वो 100 के करीब हैं। तो इतना हम आज कल में हम स्टार्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं पूरी तैयारी हो रही और सफाई वफाई हो रही है। अब ये चादर आदर लगा के हमने स्टाफ की सब ड्यूटी हमने लगा दी है, तो आज या कल में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। NIH और नगर निगम में कई लोगों ने कोविड के लिए जांच कराई, लेकिन हफ्ते भर का वक्त बीत चुका है, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। लोगों में असमंजस की स्थिति है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कॉलोनी में अब तक 50 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, एक की मौत भी हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि NHIH में 30 से 40 लोगों में कोविड सैंपल लिए गए, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई है। इस मामले में ADM का कहना है कि स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत तो की गई है, जिस लैब ने सैंपल कराए थे अब उससे संपर्क किया जा रहा है। संज्ञान में आए थे एक NIH का एंड एक नगर निगम से रिलेटेड है, तो उस विषय में CMS से वार्ता की गई है, और जिन लैब के माध्यम से उनको सैंपलिंग करवाई गई थी उससे इमीडिएटली सैंपल कलेक्शन करवाए जा रहे हैं और रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी चीज़ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में 3 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। रुड़की में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एएसडीएम सीओ सिविल लाइन कोतवाल ने शहर और देहात क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सभी दुकानें बंद मिली, लेकिन बेवजह लोग सड़कों पर दौड़ते जरूर नजर आए। एएसडीएम का कहना है कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। कोविड के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो 28 तारीख से लेकर 3 तक का पूर्ण रूप से कर्फ्यू घोषित किया गया है, और जिसमें कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है, अन्य सभी जितने भी शॉप्स हैं और चीज़ें हैं पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तो उसी के रिगार्डिंग सीओ साहब के साथ विजिट किया गया है रुड़की, मैंगलोर और कलियर मार्केट का। तो अच्छी चीज़ यह है कि लोगों के द्वारा उसमें कोऑपरेट किया जा रहा है, जितनी आवश्यक सेवाओं की दुकान है वही खुली पाई गई है। हरिद्वार में 3 मई तक का कोविड कर्फ्यू भले ही है, लेकिन पहले दिन हरिद्वार में बहुत सारे लोग सड़कों पर दिखे। देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान किया जो बेवजह घरों से बाहर घूम रहे थे। और उधर हल्द्वानी में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी किल्लत भी देखी जा रही है, पर सामान उपलब्ध नहीं है तो कहीं सामान है ही नहीं। इस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। एक्चुअली ऑक्सीमीटर वहीं से काफी शॉर्ट हो रहा है, कंपनी से ही, जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं वो कहते हैं कि कंपनी से ही शॉर्ट हो रहा है, और अगर 4-5 पीस मिलते भी हैं तो वो 1 या 2 दिन में निकल जाते हैं। और मैं अब जो है कई दवाइयां लेने के लिए आया था, तो और मेन जो कोरोना काल के इस समय में ऑक्सीमीटर वगैरह है, तो ये दवाई स्टोर पे मैं 4-5 जगह जाने के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे जो है कई दवाइयों के साथ जो ज़रूरतमंद घरों के हिसाब से ज़रूरत है तो वो नहीं मिल पा रही है। कुछ चीज़ें तो मिली है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय ज़रूरत आम घरों में ज़रूरत है कि वो अपनी जांच खुद कर सके, वो नहीं। प्रिकॉशनरी अपने घर में रखने के लिए मांग रहा है कि कहीं मेरे को ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए शॉर्टेज हो गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ऊर्जा सचिव राधिका झा के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए सहायता राशि दी है, जिसके चलते यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल और यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के तहत राज्य में कोविड-19 और दूसरे प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए 7,64,91,752 रुपए का चेक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम जारी किया। अगली खबर बड़कोट से, जहां उत्तरकाशी और टिहरी जिले के बॉर्डर क्षेत्र में जो कोविड कैंप बने हैं वहां काफी संख्या में भीड़ लग रही है, लेकिन कैंप में ये लापरवाही है। जब ये खबर चली, एबीपी गंगा की टीम वहां पहुंची, तब मौजूद जिम्मेदार हरकत में आए। मैं अभी खड़ा हूं उत्तरकाशी जिले और टिहरी के बिल्कुल बॉर्डर पर, और यहां पे कोविड का जिस तरीके से सैंपलिंग या फिर एंट्री का जो प्रोग्रेस चल रहा है, मैं अपने साथी से चाहूंगा, पहले मैं अपने दाईं तरफ की स्थिति ये दिखाऊंगा। ये डामटा चेक पोस्ट है, जहां पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ जो भी बाहरी जिले या फिर बाहरी राज्य से जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, और बिल्कुल इसी के ठीक बगल में अगर मैं बताऊँ तो कोविड पर्यवेक्षक का यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा इससे पहले मैंने ज़रूर ये देखा कि जो एंट्री यहाँ पे अपनी करवा रहे हैं, यानी जो राहगीर बाहरी राज्य फिर बाहरी जो जिले से आ रहे हैं, इसमें मैं देख रहा था कि दूरी इसमें नहीं देखी गई, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो कोविड पर्यवेक्षक हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर मैं अकेले बड़कोट की अगर बात करूँ तो 56 केस एक दिन और 32 केस एक दिन, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो 150 से ऊपर आंकड़ा पिछले एक सप्ताह में यमुना घाटी में हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत ये भी है कि जो कोविड पर्यवेक्षक हैं वो एक दूरी के साथ एंट्री करें, ताकि जो ये संक्रमण का जो खतरा है थोड़ा कम हो सके। डामटा से नितिन चौहान, एबीपी गंगा, बड़कोट। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रवासी मूवमेंट और ग्रामीण करंट इन सेंटर होम आइसोलेशन जैसी व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अमित कुमार सिन्हा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो सके, इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अमित कुमार सिन्हा, निवेदिता कुकरेती और वंदना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। IAS राधिका झा और नीरज खैरवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड जांच रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी पर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट मुहैया हो। चमोली डीएम ने गौचर हाईवे पर बने बैरियर का निरीक्षण किया और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच को लेकर देखा कि यहां पर तैनात पुलिसकर्मी डॉक्टर्स को बिना जांच किए किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, ये बात सुनिश्चित हो। उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, आगे देखेंगे आप। सुनो यूपी प्राची पाराशर के साथ।